हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ये देख रहे हो आप, अभी क्या है आया ना आपके मुंह में पानी। तो चलिए हम इसे सीखते हैं बनाने का। तो वैसे तो ऐसा कुछ था नहीं, मैं अभी जस्ट आई थी ऑफिस से और अभी बज रहा है रात का 9 या 9:30 समथिंग हो रहा होगा, 9:15 हो रहा है। सो मैं जस्ट आई थी ऑफिस से तो मम्मी मुझे बना के दे रही थी गर्मा गर्म थेपले। तो मैंने सोचा इसे शूट कर लेती हूँ, पर शूट करने के लिए मैंने स्टार्टिंग से ऐसा कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि मेरा आने का समय हो गया था। तो मम्मी बोल रही थी कि तेरे आने का समय हो गया है, तो मैं बनाना स्टार्ट कर दी थी करके। सो मम्मी स्टार्टिंग से तो ऐसा कुछ मैंने लिया नहीं था, तो मेरे सामने जितना हो रहा था मैंने उतना किया है। तो फिर भी मैं इसमें बता देती हूँ कि मम्मी ने जो बैटर रेडी किया है ना थेपले का, तो उसमें ककड़ी को कद्दूकस किया हुआ है और उसमें मेजरमेंट मतलब ककड़ी के हिसाब से, मतलब अगर 4 कटोरी अपना बेसन लिया हुआ है तो उसमें 2 कटोरी हमारा ककड़ी होता है। जिसे ज़्यादा टेस्ट हो तो उसके हिसाब से आप 4 कटोरी ककड़ी भी ले सकते हैं, 4 कटोरी बेसन। देन इसमें लिया हुआ है अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन हरी मिर्ची सांभर का पेस्ट है, अजवाइन है, स्वाद अनुसार नमक है। तो इसे हम पूरे बैटर में मिक्स कर लेते हैं। इसका जो बैटर होता है ना ही उतना पतला रखना चाहिए ना ही उतना गाढ़ा रखना चाहिए, मिड में से रखा जाता है। तो देख रहे हो अभी किस तरीके का, मतलब थिक सा बैटर दिख रहा है ना, तो इस तरीके का इसका बैटर होता है। तो बस यही था, मैं मम्मी से भी यही पूछ रही थी कि मम्मी मैंने तो पहले से शूट नहीं करी हूँ, सो अभी आप बता दो मुझे इसमें क्या क्या डालो करके। तो मम्मी ने मुझे यही बताया था इन्ग्रीडियंट्स में क्या क्या डाला हुआ है। सो देखिए ये थेपला भी रेडी है गाइस। ये तवे पे ना ध्यान मत दो, आप इग्नोर करो तवे को, बिकॉज वो कैसे थेपला जब बनता है ना तो वो बहुत ज़्यादा मतलब जल सा जाता है तवा, इसीलिए बट वो उसी में ही बनता है तो वो तो क्लीन हो जाएगा। तो आपका ध्यान तवे पे ही जा रहा होगा, तो तवे पे ना जाते हुए आप थेपले पे ध्यान दीजिए। और आप लोग भी इसे ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि ये कैसा बना है, क्योंकि मम्मी बना रही है और बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। सो मेरे को तो गर्मा गर्म थेपले मिल गए थे, तो आप लोग को भी टेस्ट करना होगा तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना। बहुत ईजी है और अभी तो यूनिक है ये जो मतलब चल रहा है अभी नाश्ते के लिए। सो मैंने इसे रात में खाया था, तो आप इसे मॉर्निंग में नाश्ता भी कर सकते हो। सो इसे हम जब खाते हैं तो मैं तो इसे सॉस के साथ खा रही थी, तो इसे खाया जाता है अचार के साथ भी खाया जाता है और टमाटर सॉस के साथ खाया जाता है। ये चाय के साथ बहुत टेस्टी लगता है, मैंने चाय के लिए बोला था बट वो लेट हो चुका था इसीलिए, तो मैं सॉस के साथ इसे खा रही और अचार के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है और प्लस शेजवान चटनी के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए ये 1 बाइट आपके लिए और बाकी पूरा पराठा मेरे लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, छोटी सी जो मैंने मजाक में शेयर कर लिया। सो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय साई राम।